सपोज आपके पास एक रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, हम क्या निकालना चाहते हैं, फिर से रॉड में ईएमएफ निकालना चाहते हैं, लेकिन इस बार रॉड यहां पर फिक्स है और गोल घूम रही है, सर्कल में घूम रही है और ये एंड इसका फिक्स है। अब सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और रॉड ऐसे घूम रही है तो फ्लक्स को कट करेगी 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 ऐसे घूमने में, तो ईएमएफ जनरेट होगी। क्लियर है? तो आपको निकालना है कि कितनी ईएमएफ जनरेट होगी पी और क्यू के बीच में, ये क्वेश्चन है। अब रूल नंबर वन, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, जैसे ये वाला पार्ट सर्कल में घूम रहा है, क्यू पॉइंट, एक पॉइंट ले लो क्यू, सर्कल में घूम रहा है और रॉड रोटेट कर रही है विद ओमेगा, रॉड की जो रोटेशन है उसमें एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा गिवन है, तो ओमेगा वेलोसिटी से रॉड रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियस की जगह एल ओमेगा। लेकिन अगर मैं एलिमेंट इसके अंदर लेता हूँ उसका रेडियस कितना है एक्स, तो इस एलिमेंट की वेलोसिटी क्या होगी, एक्स ओमेगा। तो उस हिसाब से तो जिसका रेडियस छोटा एलिमेंट का उसकी वेलोसिटी कम है, यहाँ की ज़्यादा है, यहाँ की ज़्यादा, यहाँ की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सबसे एंड वाले पोर्शन की वेलोसिटी ज़्यादा, सबसे इनर पोर्शन की वेलोसिटी कम, हर एलिमेंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल डिफरेंट है। अब मेरे को ईएमएफ निकालनी है, एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, ये छोटे से एलिमेंट की दूरी कितनी है एक्सिस से एक्स और लेंथ कितनी है इसकी सिर्फ डी एक्स, और क्योंकि ये एक्स दूरी पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्स ओमेगा। हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, पिछला रिजल्ट हमने किया जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी एल वी। अब इस स्मॉल एलिमेंट की अगर ईएमएफ निकालनी है तो बी इंटू लेंथ कितनी, डी एक्स इंटू वी, तो स्मॉल एलिमेंट की ईएमएफ आ गई। टोटल रॉड की ईएमएफ निकालनी है तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्मॉल स्मॉल ईएमएफ को इंटीग्रेट करके टोटल ईएमएफ कैन बी जनरेटेड। और इंटीग्रेशन क्यों लग रही है, क्योंकि हर एलिमेंट की वेलोसिटी डिफरेंट है, हर एलिमेंट के अक्रॉस ईएमएफ भी डिफरेंट है। तो पहले छोटे एलिमेंट की ईएमएफ निकाल ली, ये छोटा सा एलिमेंट है ईएमएफ आ गई, तो इसमें वेलोसिटी की जगह क्या पुट करेंगे, वी इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, एक्स ओमेगा, और इसे इंटीग्रेट करेंगे, रॉड की लेंथ क्या है एल, तो जीरो से लेके एल इंटीग्रेट किया, तो यहां से बी ओमेगा बाहर आ गया, एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो से एल, एक्स की जगह एल पुट करेंगे, ईएमएफ का फॉर्मूला याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा। जब एक रॉड का एक्सिस फिक्स है और दूसरा मूवेबल है, रॉड जब सर्कल में घूमती है तो ईएमएफ का फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, फॉर्मूला याद करें प्लीज, ठीक है यहां तक? तो ये इतनी ईएमएफ जनरेट होगी। अब एक चीज का और आंसर दें, ये जो रॉड है वो कैसे मूव कर रही है, रॉड ऐसे मूव कर रही है, मेरे को ये बताएं कि इसमें इंड्यूस करंट कैसे पैदा होगा, ये एलिमेंट ऊपर जा रहा है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बी कैसे है बोर्ड के अंदर, कंडक्टर कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर, तो करंट कहाँ जाएगा, क्यू से लेके पी तक, बी बोर्ड के अंदर, थंब रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ कंडक्टर जो कि ऊपर, तो करंट कहाँ जाएगा, क्यू से लेके पी तक, क्लियर है यहां तक? तो करंट कहां से कहां जाएगा, क्यू से लेके पी तक, क्लियर है? और इंड्यूस करंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्यू नेगेटिव पे है और पी पॉजिटिव पे है, तो क्वेश्चन आएगा कौन हायर पोटेंशियल पे है, पी हायर पोटेंशियल पे है, क्यू लोअर पोटेंशियल पे है, तो क्वेश्चन आएगा फाइंड वीपी माइनस वीक्यू, अरे वीपी माइनस वीक्यू ही इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का यही फॉर्मूला है, क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? अब ये जो मैंने तरीका यूज किया वो इंटीग्रेशन का तरीका है। फेराडे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मेरे को याद करो, मेरा लॉ लगा दो, रॉड को फिर घुमाओ, अल्टरनेटिव मेथड, मेथड टू, रॉड जब गोल घूमेगी तो मान लो छोटी डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करती है, डी थीटा, ओमेगा से घूम रही है, आर रेडियस है, तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा क्या होगा, ओमेगा डी टी, एरिया स्वेप्ट, अब देखो ना रॉड जब घूमेगी तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करती हुई जाएगी, तो एरिया स्वेप्ट कितना कर लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मान लेते हैं ये बेस है और ये लेंथ कितनी है डीएल, तो एरिया क्या बनेगा, हाफ इंटू आर इंटू डीएल, ये एरिया बन गया, और मुझे पता है कि एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो डीएल की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू डी थीटा, तो हाफ
इंटू आर इंटू डी थीटा, क्या आ गया एरिया स्वेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेरे पास एरिया स्वेप्ट आ गया डीएस के, देखो एरिया आ गया, एरिया मेरे पास आ गया डी थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये पुट कर दिया ओमेगा डी टी, क्या आ गया एरिया। फ्लक्स क्या है बी डी एस, बी इंटू एरिया, तो बी को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो फ्लक्स आ गया। तो ई एम एफ क्या होती है डी फाई बाई डी टी, इसको डी टी से डिवाइड करेंगे डी टी डी टी वन, तो आंसर क्या सेम आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, मेथड वन करना है मेथड वन कर लो, टू करना है टू कर लो, आप बताओ कौन सा पसंद है, वन की टू, टू ठीक है, वैसे मेरे को तो वन ठीक लग रहा था, इट्स ओके, वन करो टू करो कोई प्रॉब्लम नहीं।